इस बार मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे शहर ले जा रहा हूँ जो राजस्थान का सबसे बड़ा महानगर होने के साथ साथ अपने शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों वाला प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जिसकी स्थापना राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी में की थी। वर्षोपरांत चमकते सूर्य वाले मौसम के कारण इसे सूर्य नगरी भी कहते हैं और यहाँ स्थित मेहरानगढ़ दुर्ग को घेरे हुए हजारों नीले घरों की वजह से इसे नील नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के ब्लू सिटी जोधपुर की, जो वास्तव में अपने मंदिरों, किलों तथा शहर की खूबसूरती के लिए फेमस है। हमने हमारी इस कहानी को 3 पार्ट में दिखाया है, तो आइए शुरू करते हैं 1 से। नजर जाएगी ये लाल बलुआ पत्थर की चट्टानें ही नजर आ रही हैं यहाँ पे। ये उनके मरने के बाद जो उनके समाधि पे बनाए गए हैं, यहाँ से ले गए इधर से वो पीछे से ये पूरा, और इधर मंडोर जिसका प्राचीन नाम मांडवपुर था, यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो जोधपुर शहर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आधुनिक काल में मांडोर में एक सुंदर उद्यान बना है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें अजीत पोल, देवताओं की साल, वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, झील, नहर तथा जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हैं। कहा जाता है यह परिहार राजाओं का गढ़ था। सैकड़ों सालों तक यहां से पड़िहार राजाओं ने संपूर्ण मारवाड़ पर अपना राज किया। चुंडाजी राठौड़ की शादी पड़िहार राजकुमारी से होने पर मांडोर उन्हें दहेज में मिला। तब से पड़िहार राजाओं की इस प्राचीन राजधानी पर राठौड़ शासकों का राज हो गया था। ये देखो उधर से घूम के आ रहा हूँ, अगर दिखता हो तो। और यहाँ आने के बाद मैं अभी फिर से ये ऊपर जाना है। ये किला, मतलब यहाँ के लोकल्स ने बताया था कि ये किले के अवशेष मिले हैं, मतलब किला टूट गया था, खत्म हो गया था, तो उसके बाद जितना बचा है उतना ये दिखता है। देखो ये जितना यहाँ सामने से दिख रहा है इतना ही इसके पीछे भी है। वो काफी बड़ा किला है
लगभग 2 घंटे हो चुके हैं मेरे को घूमते हुए, और अभी जो सांप मिला था, मैं ऐसे ही रेंडम चल रहा था और एक कॉर्नर से वो स्टाक से मेरे पे एकदम बाजू से एकदम ब्लैक कलर का एकदम से ऐसी दरारों में घुस गया। एंड आई वॉज लाइक, थोड़ी देर मैंने कहा मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करा था यहाँ पे मिल जाएगा, हालांकि खंडर है पूरा तो मिलने के चांस थे, लेकिन माइंड में नहीं था कि मिल जाएगा। तो ये तो बड़ी खास है। मेहरानगढ़ किले के पास सफ़ेद संगमरमर से बना है स्मारक, मारवाड़ के ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। यह किला देश के सबसे बड़े एवं खूबसूरत किलों में से एक है। यह 410 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने कराया था। किले के निर्माण के लिए राव जोधा को एक ऋषि चिरियानाथ जी को जबरदस्ती इस जगह से हटवाया गया था, जिसके बाद उस ऋषि ने राजा को श्राप दिया था कि इस किले को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में एक मंदिर और घर बनवाकर उन्हें प्रसन्न किया। 500 साल की अवधि में मेहरानगढ़ किले और महलों को बनाया गया था। किले की वास्तुकला में आप 20वीं शताब्दी की वास्तुकला के साथ 5वीं शताब्दी की बुनियादी वास्तुकला को भी देख सकते हैं। महाराजा अजीत सिंह के शासन के समय इस किले की कई इमारतों का निर्माण मुगल डिजाइन में किया गया है। काफी थकान होने की वजह से इस किले को बेमन से देखने आया था, पर यहाँ आने के बाद इसे देखने के बाद अपने मन में बहुत सारी यादें और बहुत सारे सवाल लेकर जा रहा हूँ। यहाँ के इतने सुंदर आर्किटेक्चर और महलों के डिजाइन जो बिना किसी लाइट के भी सोने के जैसे चमक रहे थे,
मैं जब यहाँ पर देख रहा था तो सोच रहा था कि उस शताब्दी में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी ना होने के बावजूद इतना सुंदर आर्किटेक्चर डिज़ाइन कैसे बनाया जा सकता है। मैं वहाँ पर बस महल को देख ही रहा था